अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मौलाना फजल रहमान की छत्री तले अपोजिशन जमातों को मार्च का इस्लामाबाद की जानेब इस वक्त जो है वो काफिला गामजन है और JUIFA के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अरशद महमूद सुमरू का कहना है कि वो 15 लाख तक लोग इस्लामाबाद लाएंगे और सिर्फ सिंध से 4 लाख से ज़ायद लोग आ रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना ताऊ रहमान का भी दावा है कि इस वक्त 5 लाख लोग फजल रहमान की क़यादत में चल रहे हैं। तो दूसरी जानेब अली अमीन डंडापुर ये मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि सिंध से बमुश्किल 21,000 लोग मार्च में शरीक हैं, चाहे तादाद जितनी भी हो हर तरफ इस वक्त आज़ादी मार्च का चर्चा है, अखबारों में कॉलम लिखे जा रहे हैं, ज़राए अब्लाग पर बहस मुबाइसे हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक तरह से तो इस वक्त मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों की क़यादत करते नज़र आ रहे हैं और इसमें हिज़्ब इख्तलाफ़ की 9 जमातें शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमातें नुमायाँ, और अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुशनसीबी है या बदनसीबी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। JUIF के कायद मौलाना फजल रहमान अपने आज़ादी मार्च के लिए चारों सूबों से हिज़्ब इख्तलाफ़ के तमाम बड़ी जमातों को हिमायत उनकी हिमायत से ऐसा माहौल तो बनाने में कामयाब हो गए हैं कि हुकूमत को मार्च रोकने के लिए अब इकदाम करने पड़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तो असम्बली के अंदर मौजूद है लेकिन इस वक्त जो असल कायदे हिज़्ब इख्तलाफ़ हैं वो मौलाना फजल रहमान है जो असम्बली के अंदर ही नहीं है। बिलावल जरदारी ने भी आज़ादी मार्च को सलाम पेश कर दिया और कहा मैं सलाम करता हूँ इसको, और इस वक्त आज़ादी मार्च में नून लीग और पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अभी तक तो फुल पुरमाद हैं कि आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा और सबको बहा के ले जाएगा, तिबले जंग बच चुका है, आप और हम आखिरी मंजिल हासिल करके ही दम लेंगे। आज़ादी मार्च के पोस्टर से मौलाना फजल रहमान के साथ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, हासिल पसंजू और इस्फंदियार खान वली की तस्वीरें लगाई गई हैं। कल सक्खर से मुल्तान तक रास्ते में जगह जगह आज़ादी मार्च की गाड़ियाँ और ट्रक नजर आए, बाज़ लोग मोटरसाइकिल्स पर भी सवार थे जबकि बाज़ लोग खुली गाड़ियों में सर्दी से ठिठकते रहे। बेशतर अफराद ने ट्रकों पर अपने क़याम का मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा जिसमें बिस्तर और दीगर ज़रूरियात का सामान शामिल है। जैसे ही मार्च पंजाब में दाखिल हुआ मुस्लिम लीग नवाज से कारकुनान भी मुतहरक दिखाई दिए, उन्होंने कुछ मकामात पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीरें भी पकड़ी हुई थीं। सूबह सिंध में कहीं भी मार्च जो है उसमें रुकावट नहीं डाली गई। सवाल यह है कि पूरे मुल्क को छोड़कर मार्च सिंध से ही क्यों शुरू किया गया, उसकी एक वजह तो समझ आती है कि सिंध JUIA का अब गढ़ बन चुका है। शुमाली सिंध के 8 अजला सक्खर, गोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, खैरपुर, कंबर, शद्दादकोट और कश्मीर में JUIFA बहुत मजबूत है और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सिंध के इन 8 अजला में JUIA के 1000 से ज़ायद दीनी मदारिस हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि JUIFA के ज़्यादातर मदारिस हाईवेज या फिर शहरों के दाखिली रास्तों पर हैं। अब इन 1000 मदारिस से मिलने वाले कारकुनान की कुव्वत सियासी कुव्वत में ढल चुकी है, जबकि पंजाब और KPK के अहम शहरों में गैर मामूली रुकावटें अब खड़ी करनी शुरू हो गई हैं। शहर इकतदार में 250 से ज़ायद कंटेनर्स रख दिए गए हैं। वफाकी दारकूमत कंटेनर्स के शहर का मंजर नामा पेश कर रहा है। इस्लामाबाद में डी चौक के अतराफ कंटेनर्स के 2000 कायम हैं जबकि रेड जोन के रास्तों में कंटेनर्स और रुकावटें लगी हुई हैं। लाहौर में मार्च रोकने के लिए ज़िलाई इंतजामिया ने मुतअद्दिद कंटेनर्स को पकड़ के शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया। JUIF अपोजिशन जमातों के कारकुनों की लिस्टें भी तैयार हैं। फैसलाबाद में ज़िलाई इंतजामिया ने पुलिस ने साइयां वाला, डिप्टी वाला और कमालपुर इंटरचेंज पर दर्जनों कंटेनर्स पहुँचा दिए। जेलम और टोबा टेक सिंह समेत मुख्तलिफ शहरों में भी कंटेनर्स की पकड़ दकड़ जारी है। गुजरांवाला इंतजामिया ने भी कंटेनर्स लगा दिए जिसके बायस ड्राइवर्स अब सड़कों पे ही सोने पे मजबूर हैं। KPK हुकूमत ने JUIF के डंडा बरदार कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोकने का ऐलान अब कर दिया। इससे कबल JUIF की इसी जैली तंजीम अंसारुल इस्लाम ने बारखान में लेवीज पर हमले की कोशिश की जिस पर लेवीज अहलकार को हवाई फायरिंग करना पड़ी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जियाउल लांगू का भी कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों से डंडा फोर्स के निकलने की इत्तला है मगर डंडा फोर्स जहाँ से भी निकली
वहाँ JUII की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और हर हाल में हुकूमत की रिट कायम की जाएगी। दूसरी तरफ बाजौड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले जमीयत उलमाए इस्लाम JUIF के मकामी रहनुमा मुफ्ती सुल्तान महमूद जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त कंटेनर्स लगाकर सिर्फ शहरों को नहीं मार्च के रास्तों में गांव देहातों से आने वाले रास्तों को भी अब बंद किया जा रहा है, जिस पर अपोजिशन का कहना है कि हमारे लोगों को मार्च में शिरकत से रोका जा रहा है, जबकि हुकूमत का कहना है ये सब सिक्योरिटी की वजूहात पर किया जा रहा है, क्योंकि वजारत दाखिला की जानब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि मौलाना फजल रहमान पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS जानलेवा हमला कर सकते हैं। मगर मौलाना भी पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। मौलाना फजल रहमान जिस कंटेनर में विराजमान है वो बजात खुद बम प्रूफ है, जिसमें 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि कंटेनर्स में 3 सोफा सेट, बेड, एयर कंडीशनर, बाथरूम, जनरेटर, LCD की सहूलियात भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में अब पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद तक जूते उतारे जाएंगे या जूते मारे जाएंगे। इनका मौके की मुनासबत से इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, जिसमें बूट भी शामिल है। और मकसद जो इस मार्च का है, क्या इस मकसद की वजह बहुत सी ताकतों के मुकासिर हैं या सिर्फ मौलाना अपने ख्वाब की ताबीर देखना चाह रहे हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इनके पास Plan B और Plan C भी मौजूद है, और अगर उन्हें Plan A में कामयाबी हासिल नहीं होती तो उसके बाद दीगर प्लान पर अमल दरामद होगा। होगा या नहीं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे अपनी कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करें हमें। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुक्मान यूट्यूब चैनल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।